Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work Channel. And don't forget to subscribe this channel. चलिए चीनी भाषा सीखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल चीनी भाषा के अंतर्गत। आज के लेक्चर नंबर 20 में आप लोग सीखेंगे चीनी भाषा में डायरेक्शन को कैसे बोला व लिखा जाता है। आइए चीनी भाषा में दिशाओं के नाम बोलना सीखते हैं। चीनी भाषा के अंतर्गत आज का हमारा पहला शब्द है फंगवेई। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, FENGWEI। एक बार फिर सुनिए, FENGWEI। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, फंगवेई, फंगवेई, फंगवेई। इसका अर्थ होता है डायरेक्शंस, अर्थात दिशाएं। आइए इस दूसरे शब्द को लिखना व बोलना सीखते हैं। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, BIAN। एक बार फिर सुनिए, BIAN। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, PN, PN, PN। चीनी भाषा में साउंड बी को पै, पैरेट वाला पै पढ़ा जाता है। ऐसा आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया जा चुका है। PN का अर्थ होता है साइड, अर्थात की तरफ। आइए अब हम दिशाओं को लिखना व बोलना सीखेंगे। आज की हमारी पहली दिशा है नॉर्थ, अर्थात उत्तर। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, जो कि चीनी भाषा में लिखी है BAI। एक बार फिर सुनिए, BAI। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, पेई, पेई, पेई। इसका अर्थ है नॉर्थ, अर्थात उत्तर। यदि हमें उत्तर दिशा बोलना है तो हमें बोलना होगा पेई पियन, पेई पियन, पेई पियन। शब्द पियन के बारे में आपको पिछली स्लाइड पर बता दिया गया है। अब ये हमारे पास दूसरी दिशा है, जिसका नाम है साउथ, अर्थात दक्षिण। इसकी स्पेलिंग नोट कीजिए, NAN। एक बार फिर सुनिए, NAN। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, नान, नान, नान। इसका अर्थ होता है दक्षिण। यदि आपको दक्षिण दिशा बोलना है तो आप बोलेंगे नान पियन, नान पियन, नान पियन, अर्थात साउथ यानी दक्षिण दिशा। अब हम चीनी भाषा में ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा को बोलना सीखेंगे। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, TANG। एक बार फिर सुनिए, TANG। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, तुंग, 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 जिसका अर्थ होता है पूर्व। यहां पर ध्यान दीजिए, साउंड टी और ए को मिलाकर यू की साउंड प्रोड्यूस की गई है। यदि आपको पूर्व दिशा बोलना है तो आप बोलेंगे तुंग पियन, तुंग पियन, तुंग पियन। आइए अब वेस्ट अर्थात पश्चिम दिशा को बोलेंगे। इस दिशा की स्पेलिंग, जो कि चीनी भाषा में लिखी है, XI। स्पेलिंग एक बार फिर सुनिए, XI। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, शी, शी, शी। इसका अर्थ होता है वेस्ट, अर्थात पश्चिम। यदि आपको पश्चिम दिशा बोलना है तो आप बोलेंगे शीपियन, शीपियन, शीपियन। दिशाओं के अलावा हमें चीनी भाषा में कभी कभार इनसाइड अथवा आउटसाइड बोलना पड़ता है।
आइए इन शब्दों को बोलना व लिखना सीखते हैं। पहला शब्द इनसाइड, इसको चीनी भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, एल आई बी आई ए एन। स्पेलिंग एक बार फिर सुनिए, एल आई बी आई ए एन। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, लिपियन लिपियन लिपियन। इसका अर्थ होता है इनसाइड। अब ये हमारे पास अंतिम शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा में आउटसाइड बोला जाता है। इसकी स्पेलिंग नोट कीजिए, W A I B I A N। एक बार फिर सुन लीजिए, W A I B I A N। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, वेपियन वेपियन वेपियन। इसका अर्थ होता है आउटसाइड। इस लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप सबों को यह लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।